हेलो नमस्ते सिका, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईकेएस व्लॉग्स। सो डे 3 ऑफ आवर ट्रिप, आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। तकरीबन 50-60 किलोमीटर है वो भी श्रीनगर से, और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, रेडी हैं दोनों, बस निकल रहे हैं। सो गाइस, अभी हम हैं गुलमर्ग के रास्ते में, एंड गुलमर्ग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर है श्रीनगर से, 30 किलोमीटर करीब प्लेन एरिया है, उसके बाद पहाड़ी शुरू हुई है जैसे आप देख रहे हैं। इसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि ऊपर केबल कार है जो आपको ऊपर लेके जाएगी टॉप पॉइंट पे। दो पॉइंट है वहाँ, गोंडोला से कुंगडूर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कुंगडूर से लेके अपारवत, ठीक है। अब इसमें आप क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप प्लान करें तो आप इसका ऑनलाइन पहले बुक कर लेंगे तो वहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए cablecar.payu, अगर आप इससे ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो वहाँ का लाइन में लगने का टाइम प्लस कितनी भीड़ हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे पास टिकट है तो हम सेफली जा सकते हैं आराम से रुकते हुए। सो अभी हम गुलमर्ग के रास्ते में, वशिष भाई हमारे साथ हैं। वशिष भाई ने हमारी हेल्प करी, इन्होंने हमें बताया कि ऑनलाइन अगर बुक कर लेंगे तो वहाँ लाइन में नहीं खड़ना होगा, है ना। ऑर्डर पे जाना होता है, पता नहीं कितनी लाइन लगती है वहाँ पे। ऐसे भी ऑनलाइन, अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया है गंडोला की टिकट ऑनलाइन, वहाँ पता नहीं काउंटर पे कितनी। सीजन में ये बताते हैं कि दो दो घंटे तक लाइन में लाइन लगती है, क्योंकि उधर एंट्री गेट पे जाने के अंदर गंडोला में बैठने के लिए लाइन लगती है 2-3 घंटे बाद। अच्छा, और अभी जैसे हम जा रहे हैं तो आप हमें वहाँ जहाँ लिफ्ट है वहाँ तक ड्रॉप करेंगे या पहले कैसे जैसे? वहाँ का जो यूनियन है वो हमें पार्किंग तक अलाउ करता है, पार्किंग तक अलाउ करता है। फिर अब क्लाइंट को मर्जी होता है, वहाँ से गाड़ी भी मिल सकती है, घोड़ा भी मिल सकता है, पैदल भी जा सकता है। तीन ऑप्शन रहते हैं। गाड़ी अगर गाड़ी में जा सकता है तो वो गाड़ी में, अगर पैदल जा सकता है तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा, मतलब ये है कि जहाँ आप पार्किंग में रुकेंगे वहाँ से लिफ्ट तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे गाड़ी भी मिल सकती है, पैदल भी जा सकते हैं और वो पोनी मिल सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर, आप क्या करते हैं। और कैसा चल रहा है ट्रिप? बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है अभी तक तो। सब कल ज्यादा डर लगा था घोड़े पे, आज आज लगेगा ज्यादा। आज घोड़े पे बैठने वाली डर अभी तक है, घोड़े का मेरा डर निकला नहीं, तो आज मैं सोच रही हूं कि मैं पैदल ही चली जाऊं। ओके, इसमें अच्छा है, मतलब व्यू बनाने के लिए ऑटोमेटिक है, डोर ऑटोमेटिक है, इसी चीज़ की वजह से। और बाकी एक चीज, टाइमिंग का हमने देखा, वहाँ इशू चल रहा था, यहाँ भी नोट लिखा हुआ था, तो आप ध्यान रखें। और बेस्ट ये होगा, जैसे हम ऑफ सीजन आए हैं तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करा कर आए, अगर आप सीजन में आते हो तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आप लोगों को सीरियसली बता रही हूँ, इसके हमारे क्या चार्जेस है? इसके चार्जेस है 740 1% ऑफ डाउन। सी यहाँ पे जब आप विंटर्स में आएंगे ना, तो ये आप जो आसपास देख रहे हैं ये पेड़ वगैरह सब, यहाँ 10-10 फीट बर्फ होती है। नीचे जहाँ हम आए थे वहाँ आइस स्केटिंग पार्क था अलग से, जो विंटर्स में आइस स्केटिंग होती है, मतलब विंटर्स में यहाँ अगर आपको बर्फ स्कीइंग वगैरह बर्फ वगैरह मतलब मजा आता है तो बेस्ट है आपके लिए। कुछ इस तरह कंगडूर, वो देख रहे हो आप, बादल ही है भाई, वो लिटरली हमारे पार्टनर ने तो कपड़े चेंज कर लिए। उधर बादल, वहाँ बादल, ये फेस टू के लिए जा रहे हैं, हम भी जाएंगे कुछ देर में, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रॉली सीधे बादलों में। और वो देख रहे हो आप उधर शॉप्स हैं वहाँ पे कुछ, बस देखते हैं एक बार जाके। आ
अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड स्पॉट पे। यहाँ अभी हम थे और हमें ऊपर जाना है। ये जगह कैसी लग रही है? फेज टू इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे ना, बादल नीचे है हमसे, हम बहुत ऊपर बहुत ऊपर है, सीधी धूप पड़ रही है और बादल है। देख रहे हो वो फोटो खींच रहे, वहाँ बादल है नीचे। ये पहाड़ है मतलब जिसके लिए हम आए हैं, इससे ऊपर कुछ है नहीं। वो अगर आप देखेंगे एक वो आर्मी कैंप का है, एक उससे आगे अलाउड नहीं है। बाकी दिखाते हैं आपको, देखते हैं पिक्चर्स वगैरह वीडियो, मजा आ जाएगा यार। यहाँ पे पैसा वसूल लगे क्यों। मतलब एक 1.2 किलोमीटर पैदल जाना हमें टैक्सी स्टैंड पे गुलमर्ग। सो आज का अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए, सेम दोनों के लिए टफ था आज, बिकॉज बहुत ही ऊपर हम लोग, इतना एक्सट्रीम था कि उस ऊपर कुछ था ही नहीं, इतने फीट की आई थी, काफी कुछ है, 14,000 कुछ फीट था, 14,000 फीट ऊपर है। इसमें क्या था मेन, ये था कि प्रॉब्लम थोड़ा हेडेक तो दोनों को हो रहा है हमें। इनफैक्ट बहुत अच्छा, हम लोग मेडिसिन लेके आए, आप लोग मेडिसिन प्लीज आप लेकर आना, मतलब सर दर्द, उल्टी, वॉमिटिंग, थोड़ा फर्स्ट एड किट टाइप लेकर आना, कुछ पता नहीं है ना। और सेकंड फेज जब हम ऊपर गए ना, सेकंड फेज उस पे तो मतलब देखो यार, मतलब व्यूज़ तो चलो ठीक है, लेकिन मतलब बॉडी में दिक्कत बहुत हो रही थी, सर दर्द और फलाना ये सब बहुत, ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल के अंदर ही थे हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब बादल भी नीचे ही थे हमसे, बादल भी हमसे नीचे लग रहे थे। और कल का प्लान ऐसा है, कल हम श्रीनगर छोड़ के जा रहे हैं, पहलगाम जाएंगे हम कल, तो वो आपको दिखाएंगे पूरा, नया होटल हमारा होगा नया, वहाँ पे हम स्टे करेंगे, वो दिखाएंगे पूरा। फिलहाल हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, कल ब्लॉग में देखना। बाकी यार कश्मीर सीरीज होपफुली आपको अच्छी लग रही हो, जितनी भी जगह है सब कवर कर रहे हैं हम, दिखा रहे हैं आपको, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल, कल कीप वॉचिंग IKS ब्लॉग्स, गुड बाय, टेक केयर।